सवाल गृहस्थी से जुड़ा, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए, रिश्तों को चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, 20 करोड़ रुपए का सवाल है। ऑप्शन सुन लो पूरी, और जिनको पहले से पता है वो टुप्पी टाप बैठेंगे, होशियारी बिल्कुल नहीं। बीस करोड़ रुपए का सवाल है, कितने का? 20। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 20 करोड़ का ज्ञान मिलेगा आपको। यह ज्ञान कितने का है? 20 करोड़ रुपए के लिए प्रश्न यह रहा कि पति पत्नी के बीच में रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या जरूरी है। ऑप्शन पहला पैसा, प्रेम। पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए? पैसा, प्रेम, सहनशीलता या समझदारी? एक एक से आप बताओ, बैठे बैठे आप बताइए। समझदारी आप बताइए, समझदारी आप बताइए, समझदारी आप बताइए, सहनशीलता आप बताइए, सहनशील दादाजी बताएंगे आप क्या, समझदारी भैया जी बताएंगे आप, आपसे ही पूछ रहे हैं क्या होना चाहिए। सहनशीलता मैया बताओ, सहनशीलता आप बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, आप बताओ भैया, अब सब बताओ। हाँ, पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन था पैसा। पैसा तो आ ही जाएगा, पति पत्नी कमाएंगे तो आएगा, पैसे की कोई बात नहीं। दूसरा प्रेम, प्रेम तो हो ही जाएगा, पति पत्नी रहेंगे तो हो ही जाएगा, प्रेम हो ही जाएगा, और किससे होगा। तीसरा, चौथा समझदारी। तो समझदारी तो आ ही जाएगी, समझदारी ना समय से आती है। जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए, मतलब एक 20 साल की लड़की और एक 30 साल की लड़की को आप खड़ा कीजिए, जितनी समझदारी 30 वर्ष की लड़की के अंदर होगी उतनी समझदारी 20 वर्ष की लड़की के अंदर, क्योंकि समझदारी समय के साथ आती है। एक लड़की जब शादी होती है और शादी होने के बाद जब वो माँ बनती है, तो जो लड़की कल तक लड़की थी और आज जब वो माँ बन गई तो वो अपने आप समझदार हो गई। कैसे बच्चे का लालन पालन करना है, कैसे बच्चे के लिए, जो 8 बजे तक सोया करती थी, अब वो बच्चे की जरा एक आवाज में जाग जाती है रात के 2 बजे और बच्चे को देखती है क्या कर रहा है। मतलब समझदारी समय के साथ आती है। आप किसी छोटे बच्चे को समझदार बनाना चाहे नहीं बनेगा, समय जब तक नहीं आएगा। जितना समय आप देंगे अपने आप को, जितना संसार देखेंगे, जितना उतार चढ़ाव देखेंगे, उतनी समझदारी आएगी। तो समझदारी समय के साथ आती है।